हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं। बहुत बहुत समय हो गया, मौका ही नहीं लगा। इस बीच थोड़ा बिजी हो गए थे। एक तो जब से ये डिक्लेयर हुआ है कि एग्जामिनेशन आपके फॉर्म निकले हैं, तो हर किसी में जोश आ गया है। जो नहीं भी पढ़ने वाले थे वो भी अब पढ़ाई उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के एडमिशन हो गए हैं दोबारा, जिन्होंने छोड़ दिया था पढ़ाई, जिन्होंने एक एक महीना शुरू में पढ़ा उसके बाद छोड़ दिया, वो भी फिर दोबारा आ गए हैं अब पढ़ने, क्योंकि उनको भी अब डर लगने लगा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फॉर्म कब निकले पता नहीं। और इस समय तो साइंस की सीटें भी मेरे ख्याल से 50+ हैं, 50 के आसपास आपकी सीट है जनरल कैटेगरी। तो आप लोगों को अब बहुत अच्छी तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। हमारा सिलेबस देखिए, केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हमारा कंप्लीट फिर उसके बाद हो ही जाएगा आपके एग्जाम होने तक, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अब थोड़ा सा मैं भी स्पीड अप करूंगा। और बायोलॉजी में हमने जूलॉजी का एक मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, हमने फोटोसिंथेसिस बॉटनी का कंप्लीट कर लिया है। अभी और भी जो जो छुटपुट टॉपिक्स रह गए हैं वो अब हमारे चल रहे हैं। तो और हमने साथ में जेनेटिक्स वगैरह स्टार्ट कर दिए। तो जेनेटिक्स हमने जो स्टार्ट करी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जेनेटिक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपके बहुत क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं। कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं छोटे, एनीवे तो जेनेटिक्स की बात बता रहा था, वो भी हमने शुरू कर दी। और हमारी जेनेटिक्स की क्लासेस बहुत धांसू चल रही हैं, बहुत धांसू, बहुत मजा आ रहा है। मतलब मुझे तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में, और जो पढ़ रहे हैं उनको और मजा आ रहा है। तो अब यही तो समय होता है करियर बनाने का, जिस समय आप फॉर्म वॉर्म भरते हैं उस समय आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे ना, तो हो सकता है आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग बहुत ढीले भी पड़ गए हैं, मैंने ये भी देखा है। तो अच्छा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और आप लोगों की ढेर ढेर सारी हमको स्टोरीज मिली हैं, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप लोगों ने अपनी अपनी कहानियां डाली हैं। एक कोई किसी का मैसेज आया कि वो फूल बेचते हैं, फूल, और वो तैयारी कर रहे हैं। किसी का मैसेज आया वो फल सब्जी बेच के मेहनत कर रहे हैं। एक है जिनका मैसेज आया कि अखबार वो डाल रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसी कई विषम परिस्थितियों में एक एक का तो हमारे पास ये मैसेज आया कि वो बोट चलाते हैं किसी ताल में, नैनीताल, आई थिंक भीमताल, नैनीताल, कहीं कोई एक ताल है इस एरिया में, वहां पर बोट चलाते हैं और साथ में तैयारी भी कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत इस तरीके के मैसेज आए जिनको पढ़ के ना बड़ा अच्छा लगा। देखिए, दुनिया में ना हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके के, वो भी हैं जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो भी हैं जो बहुत जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन सफलता जो होगी वो भाग्य से मिलेगी, आपकी मेहनत से नहीं मिलेगी। इस बात का मैं फर्म बिलीवर हूं। जो लोग ये कहते हैं कि भाग्य जो होता है ना मेहनत से बनता है, मैं नहीं मानता इस बात को, मैं नहीं मानता। जो लोग मानते हैं वेल एंड गुड, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि भाग्य आपको उस मुकाम तक लेके आ जाएगा जहां पर आप एक दरवाजे के अंदर घुस सकें। दरवाजे के अंदर घुसना या ना घुसना आपकी मेहनत जो होगी वो डिसाइड करेगी। अगर आपने मेहनत की होगी तो आप उस दरवाजे के अंदर घुस जाएंगे, अगर आपने मेहनत नहीं करी होगी तो आप उस दरवाजे के अंदर नहीं प्रवेश कर पाएंगे। लेकिन भाग्य आपको उस दरवाजे तक अपने आप लेके आएगा ही आएगा, ये तय है। अब हमको ये मान के चलना चाहिए कि एक ना एक दिन वो दरवाजे के आगे, उसकी दहली पे हम जरूर खड़े होंगे, क्योंकि हमारा भाग्य हमको वहां ले जाएगा ही ले जाएगा। तो जब हमारे मन में ये फिट बैठ जाता है कि हमको वो दरवाजे के आगे खड़ा रहना है, तो क्यों ना हम अभी से तैयारी कर लें, ठीक है? तो प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी ना,
तो वहीं पर देखिए अपॉर्चुनिटी और प्रिपरेशन जहां पर मिलती हैं वहीं पर सफलता मिलती है। तो अपॉर्चुनिटी आपको आपका लक जो होगा वो प्रोवाइड कराएगा। भाग्य का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा। और दूसरी बात मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि इस भाग्य को चमकाने के लिए आप पत्थर पहन लें, माला जपें, पूजा करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मत करो, ये सब पाखंड है, इससे दूर रहो जितना मैक्सिमम दूर रह सकते हो। इतने चोर हमारे सोशल मीडिया में आ चुके हैं, इस तरीके की चोरी कर रहे हैं आपके मन में डर बैठा के। हर दूसरा देखिए, आप इंस्टाग्राम देखिए, यूट्यूब देखिए, या कोई भी आप देखिए, वहां पर आपको हर दूसरा बंदा यही कहते हुए मिल रहा है कि फला इस नंबर की डेट ऑफ बर्थ जिसकी है उस वो ऐसा होता है, इस नंबर की डेट ऑफ बर्थ जिसकी है वो ऐसा होता है, आप ये कलर के कपड़े पहनो तो ऐसा होता है, वो कलर के कपड़े पहनो तो ऐसा होता है। जैसे मुझसे एक दिन एक कोई थे, उन्होंने बोला कि ब्लैक कलर के कपड़े मत पहनो। आई वॉज वेयरिंग ब्लैक कोट एंड ब्लैक जीन्स एंड आई वॉज गोइंग समवेयर। तो उन्होंने मुझे टोक दिया कि यार ये बड़ा वो है कलर, इसको नहीं पहनना चाहिए, ये है वह। मैंने कहा पंडित जी अगर ब्लैक इतना ही बुरा होता तो हमारे शरीर के सबसे ऊपरी भाग में ब्लैक कलर नहीं देता बालों को। ब्लैक कलर अगर इतना ही बुरा होता तो ये तो सबसे खूबसूरत कलर है, ठीक है। तो कलर वलर का कोई असर नहीं पड़ता सिवाय हीट के। अब ब्लैक थोड़ा हीट एब्जॉर्ब करता है आपके शरीर से, पसीना थोड़ा ज्यादा निकल जाएगा, गर्म आप थोड़ा बॉडी रहेगी। व्हाइट कलर के कपड़े आप पहनेंगे, ये मौसम के अकॉर्डिंग, वो मैं मानता हूं उस बात को, तो प्योर साइंटिफिक है कि गर्मियों में आपको व्हाइट थोड़ा लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए और जाड़ों में आपको थोड़े डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, बट इसका एक साइंटिफिक रीजन है। लेकिन ये थोड़ा ना है पंडित जी और या ये जो वास्तु वाले, वैसे पंडित जी लोग मैंने देखा नहीं है इन चक्करों में पड़ते हैं, ज्यादातर ये फालतू के लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, छिछोरे लोग हैं जो आप लोगों को बरगलाएंगे। ये दलदल है, जैसे ही आपका एक पैर इसके अंदर पड़ेगा आप धंसते ही चले जाएंगे, तो इस दलदल से आपको दूर रहना है। ये मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, ये भाग्य वाग्य, ये अंगूठी पहनो, ये पत्थर पहनो, ये कपड़े पहनो, वो रंग करो, ये पूजा करो, वो पूजा करो, नथिंग नथिंग, कूल रहो, बिल्कुल कूल, ठीक है। पूजा पाठ के खिलाफ नहीं हूं, पूजा पाठ करिए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, मंत्र पढ़िए, मंत्रोच्चारण करिए, ध्यान करिए, सुबह सुबह भगवान की आरती करिए, दिया जलाइए, नहा धो के अपनी एक हैबिट में आइए। अगर आप हैबिट में आएंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है मैं पूरी तरीके से इन सब चीज़ों को नकारता हूँ, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मैं बस 2% तक इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, बाकी 98% जो फालतू की बातें होती हैं वो मैं नकार देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर ये बोल रहा है कि किसी के साथ बुरा मत करो, बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा ग्रह ये कहता है, तुम्हारी कुंडली ऐसी कहती है, तो उस बात को मैं मानता हूं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, जो अच्छी बातें उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। लेकिन जो नेगेटिव बातें हैं ना, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा मत करो, तो उन चीजों को मैं पूरा सिरे से नकार देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, ये बस डर है, ये डर आपके जहन में बैठाने के लिए डर है। ये जोकर लोग हैं सबके सब, जो इंस्टाग्राम पे आके बोल रहे हैं इतनी तारीख को ये पैदा होते हैं, इसका ये इनका एटीट्यूड ऐसा होता है, ये ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, अरे सब इंसान बराबर है भाई, तारीखें तो थी भी नहीं, तारीखें तो बहुत बाद में बनी जब कैलेंडर वैलेंडर आया, इंसान कब से है, क्या पता आज जिसको आप एक तारीख बोल रहे हैं क्या पता असल में वो 5 तारीख हो, दुनिया के शुरू से अगर आप काउंट करें तो ये तारीख वारीख कुछ नहीं है, ये सब फर्जी, टोटल फर्जी है। तो इस वजह से इन चीजों से बच के रहिएगा। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास मैसेज आया था एक स्टूडेंट का कि सर मेरा ग्रह ऐसे हैं, मेरी कुंडली ये कहती है और मेरे को इसकी तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उनको यही लिख के भेजा कि इन चक्करों में पढ़िए, आप बस तैयारी करिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, आपका भाग्य आपको अपॉर्चुनिटी तक तो ले आया है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका भाग्य था इसीलिए आपने पढ़ाई करी, आपका भाग्य था इसीलिए आपने MSc करी, आपका भाग्य था इसीलिए फॉर्म निकले। अब भाग्य आपको जब यहां दिल्ली तक लेके आ गया है तो आप तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं?
आप प्रिपरेशन करिए ना, तो जहां पर प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी दोनों आपस में टकराएंगे वहां पर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज का थोड़ा आपने विशेष ध्यान रखना है, ठीक, और दिमाग को थोड़ा शांत रखिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था ना, दिमाग को शांत रखने के लिए आप लोग कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर करिए। बायोलॉजी पढ़िए, बायोलॉजी के साथ साथ मैंने आपको बताया था ना, थोड़ा सा आप यूट्यूब में वो महाभारत, और महाभारत स्पेशली उसके वीडियोस देखिए, थोड़ा उनसे ना बहुत असर पड़ता है। मन मार के भी देखिए, लेकिन देखिए, समझिए, इमोशंस समझिए कि कर्ण जब कुछ बातें कह रहा है तो उसके पीछे उसके इमोशंस क्या हैं। अर्जुन कभी कोई बात कह रहा है, भीष्म पितामह कोई बात कह रहे हैं, तो उनके इमोशंस क्या हैं। तो इमोशंस से ना आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। अब एक मुद्दे की बात और, कुछ बच्चों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर फ्री क्लासेस के लिए। देखिए, फ्री सीट्स अब मेरे पास इस बैच में अवेलेबल नहीं है, नया बैच बनेगा तो उसमें मैं फ्री सीट्स में आपको पक्का पढ़ाऊंगा, वो तो मैं पढ़ाता ही हूँ, उसमें कोई शक है ही नहीं। लेकिन नया बैच भी हमारा तब बनेगा ना जब हमारे पास 50-60 बच्चे होंगे, ऐसे ही हवा में नहीं बना देंगे हम बैच, 5-10 बच्चों को लेके हम बैच नहीं बनाएंगे। तो नया बैच जब भी हमारे पास बनेगा, इन्फॉर्मेशन मोस्ट प्रोबेबली जनवरी तक हम सोच रहे थे बनाने की, क्योंकि देखिए हमारे पास स्टूडेंट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे पास स्टूडेंट हो रहे हैं वो अचानक से हमको इसी बैच में जोड़ दो कह रहे हैं। तो इस बैच में जुड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आपको फ्री क्लासेस चाहिए, जो इतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और जिनको लगता है कि वो थोड़े से पढ़ाई में ठीक ठाक हैं और उनको पढ़ना चाहिए, और जबकि पैसा उनके पास कोचिंग के लायक नहीं है, तो हम कब पढ़ाएंगे ना, मैं किस लिए बैठा हूँ। मैं पढ़ाऊंगा, बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। तो इस वजह से आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आपको इस बैच में जुड़ना है जो अभी हमारा प्रेजेंट बैच चल रहा है, अब इस बैच में जुड़ने के लिए इसकी शर्तें कुछ माननी पड़ेंगी। अब यहाँ पर देखिए, एक बात और मेरे दिमाग में आई अभी अभी कि बहुत से लोग के मन में क्वेश्चन है कि सर आपकी तो 2-3 महीने से क्लासेस हो रही हैं इस बैच में, तो हमारा तो नुकसान हो गया। नो 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 नो, नुकसान नहीं हुआ है, सारे वीडियोस अवेलेबल है। जैसे ही आप आज जुड़ते हैं, क्लास से जुड़ते हैं, आपको सीधे वीडियोस का एक्सेस मिलेगा। अगले 15 दिनों में आप सारे के सारे वीडियो आप देख लेंगे, अगले 15 दिनों में आप पूरा पिछला सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो क्लासेस हमारी रेगुलर हो रही हैं कंटिन्यू, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आज एक्चुअली हमें थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया, क्योंकि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो अभी तो मेरे ख्याल से 8:30 के आसपास टाइम हो रहा है, 8-8:30 के आसपास टाइम हो रहा है, तो 8:45 हो रहा है एक्चुअली। तो इसीलिए ये आपको बताना बहुत जरूरी था। बायोलॉजी के स्टूडेंट, विशेषकर बायोलॉजी जिनको पढ़नी है, जिनको बायोलॉजी का एक अच्छा टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है किसी डिग्री कॉलेज में या और कुछ साइंटिस्ट वगैरह की डायरेक्शन में जाना है, तो आप लोग को नेट की दिमाग में रखना पड़ेगा। बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारी इंडिया में बहुत बड़े बड़े लेवल की कोचिंग्स हैं, ठीक है, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इन कोचिंग को जब आप ज्वाइन करते हैं ना, तो यहाँ टीचर्स की लहजा और भाषा समझ में नहीं आती है, क्योंकि जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो आपको साइंटिस्ट मान के चल रहे हैं। हम जो पढ़ाते हैं वो बहुत जड़ से पढ़ाते हैं, इसीलिए हम सक्सेसफुल हैं। ये कोचिंग जितनी भी हैं, इनको छोड़ छोड़ के लोग हमारे पास आके क्यों जुड़ रहे हैं, वो इसीलिए जुड़ रहे हैं। कई हैं मेरे पास ऐसे स्टूडेंट जो ये कह रहे हैं कि मैं वो कोचिंग से आया हूँ, मैंने वहाँ पढ़ाई की लेकिन मुझे अच्छा यहाँ लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम बहुत बेसिक, बहुत ग्रास रूट लेवल से पढ़ा रहे हैं। हम तो सिर्फ पढ़ाएंगे, ठीक है, पढ़ना निकलना आपका भाग्य, आपकी मेहनत उस पर निर्भर करेगा, हम पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे टॉपिक, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही करते हैं, और एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली, खूब अच्छे से दिवाली मनाइए, खूब पटाखे फोड़िए, खूब इंजॉय करिए, हमारा त्यौहार है भाई, पॉल्यूशन वॉल्यूशन के चक्कर में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी पटाखा फूटता है तो उसका जो धुआं होता है, उसके जो पार्टिकल होते हैं वो हवा में फैलते हैं, ठीक है, हवा में फैलते ही वो थोड़े से हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वो आसपास की जो मॉइस्चर होता है, पानी की माइक्रोस्कोपिक बूंदें, उनको अपने आपस में चिपका लेते हैं चारों तरफ,
ठीक है, जैसे ये पानी की बूंद है, इससे चारों तरफ, नहीं सॉरी, ये पटाखे का धुआं है, इसके चारों तरफ पानी की बूंदें चिपक जाएंगी। पानी की बूंदें चिपक के कोहरा, इस तरीके का स्ट्रक कोहरा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। यही चीज बादल बनके एक दिन बरस जाएगा, तो उससे आपको पॉल्यूशन से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पटाखे फोड़िए, खूब बच्चों के साथ एंजॉय करिए। मैं थोड़ा उल्टी बातें बता रहा हूँ, बहुत से लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, कहेंगे यार कैसा बायोलॉजी का टीचर है, ठीक है, इसको एनवायरनमेंट के बारे में रत्ती भर नहीं पता। मेरे को सब पता है, मेरे को इतना पता है कि मैं एक ही बार पैदा हुआ हूँ, एक ही जीवन है मेरे पास, उसी को मेरे को इंसान के रूप में जीना है, उसी को पूरा एंजॉय करना है। तो मैं तुम्हारी घटिया बातों में फंस के अपने जीवन को नरक नहीं बनाऊंगा। तो यही मैं सभी को राय देता हूं कि जिस चीज में आपको खुशी मिलती है, बस नुकसान उससे दूसरे इंसान का नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक राय आपको ये देना चाहूंगा, जो आवाज करने वाले पटाखे होते हैं ना, जिनमें बम बम इस तरीके के जो फोड़ते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहिए। उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना, उससे बेचारी चिड़ियां डर जाती हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं छोटे मोटे, वो भी उससे घबरा जाते हैं, तो उनकी एक पूरी लाइफ साइकिल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उनसे बचिए। बाकी इसके अलावा जो फुलझड़ी है, इस तरीके के रोशनी वाले जितने भी आपके पटाखे हैं, ये करिए, आप करिए, खूब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इंजॉय करिए। बस इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है लाइफ को। इंजॉय करेंगे तो अंदर से अच्छे हॉर्मोन्स, फील गुड हॉर्मोन्स रिलीज होंगे। फील गुड हॉर्मोन्स अगर रिलीज होते हैं तो मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, पढ़ाई अच्छी होगी, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, सिलेक्शन हो ही जाएंगे आप लोग, मेरे को पूरा भरोसा है। चलिए आज का वीडियो इतना ही समाप्त करते हैं, अभी मेरे को एक क्लास और पढ़ानी है बायोलॉजी की। चलिए, थैंक यू।